बीती रात नगर के वार्ड नंबर 23 बावनथड़ी कॉलोनी विधायक बालाघाट गौरीशंकर बिसेन के निवास के ठीक पीछे रहने वाले पिता पुत्र को जहरीले सांप ने डस दिया, जिससे 10 वर्ष के पुत्र की मौत हो गई। तो वहीं पिता जीवन व मौत से संघर्ष कर रहे हैं, जिसके उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 दिसंबर की रात्रि में पिता पुत्र खाना खाकर नीचे जमीन में सोए हुए थे। इसी दौरान रात्रि करीब 12 बजे किसी अज्ञात जहरीले सांप ने उन्हें डस दिया था, जिन्हें दूसरे दिन 15 दिसंबर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान 16 दिसंबर को पुत्र शिवम चचा ने उम्र 10 वर्ष के उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं पिता रविशंकर चचा ने जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी हालत भी गंभीर बताई गई है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। आपको बताएं कि सर्पदंश के बाद पिता पुत्र को काफी देर तक उपचार के लिए अस्पताल नहीं लाने से उन्हें समय पर उपचार नहीं मिल पाया, जिसके कारण सांप का जहर उनके शरीर में ज्यादा फैल गया और उसके कारण 10 वर्ष के सीएम की मौत हो गई और उसे बचाया नहीं जा सका। इस घटना की सूचना पर पूर्व मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन और उनके परिवार के सदस्य भी इस शोकाकुल माहौल में शामिल हुए। कछू हमको काटा है, बोले बाप बेटा को, बस इतने ही। कितने बजे की बात है ये? कितने बजे की बात? 12 बजे रात की बात है। रात फिर भर्ती करवाए क्या? हाँ, तो सवेरे हम लाए। हाँ हाँ, फिर अभी फिर और अभी अभी ठीक है। का बाप था? हाँ। और वो लड़का? लड़का, तो लड़का एक्सपायर हो गया। तो कि या तो उनको सर्प ने काटा या किसी की टीट ने काटा, उंगली में निशान थे उनके, दाने हाथ के उंगली में, बच्चे के और पिताजी के भी थे। तो कल बच्चा ख़त्म हो गया तो उसका पोस्टमार्टम करवाए और लास्ट को सुपुर्दगी पंचनामा कार्रवाई की।